वालेकुम एवरीवन क्या हाल चाल हैं कैसे हैं आप सब आज मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी अपनी फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ सो फाइनली आई एम हियर विद अ सॉल्यूशन विद टिप्स एंड सम न्यू कंटेनर्स तो ये है मेरी फ्रिज ऊपर है फ्रिज नीचे है फ्रीज़र और इसको जो है मैंने पूरी तरह खाली कर ली हूँ अच्छी तरह जो है वो डिटर्जेंट से साफ़ कर ली हूँ और क्लीनिंग का वीडियो मैंने नहीं बनाया आप लोगों को तो पता ही क्लिन कैसे करना है तो फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करने का सबसे बेहतरीन टाइम वो होता है जब आपके फ्रिज में जो है वो कम सामान हो और मेरे फ्रिज में जो है अभी पूरी ग्रॉसरी ख़त्म हो चुकी थी वो मुझे लाना ही था और सामान बहुत ही कम था तो बस मैंने सोचा दिस इज़ द राइट टाइम तो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रखने से पहले जो है मैं वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं रखती हूँ इनको तो ये एक कंटेनर है जिसके अंदर जो है मैं बैगन रख रही हूँ और साथ ही साथ ना बैगन के मैं कैप्सिकम रख दूँगी कलरफुल जो बहुत सारी चीज़ों में मुझे बहुत यूज़ होती है तो आज तो मैं ये रख रही हूँ लेकिन जैसी सब्जियाँ घर में आती रहती हैं मैं उसी हिसाब से जो है ना इसको अरेंज करती हूँ हर टाइम एक ही जैसा नहीं रहता है नेक्स्ट एक और कंटेनर है जिसके अंदर डिवाइडर है और ये डिवाइडर जो है ना ये रिमोवेबल है और जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग इसको जो है फ़िक्स कर सकते हैं तो इसके अंदर जो है मैं चेरी टोमेटो और ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी और रेडिश और कीवी जैसी जैसी मेरी चीज़ें होती हैं मैं उस हिसाब से इसको डिवाइड करके रखती जाती हूँ और ये डिवाइडर जो है ये आसानी से मार्केट में मिलता है तो मैंने जो है ऑनलाइन नहीं मंगवाई हूँ मैं तो शॉप से ली हूँ तो अगर आप चाहते हैं अपनी फ्रिज को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ करना तो जो है थोड़ा सा ढूंढ लीजिए अच्छे से मिल जाएगा किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है तो फिर ये कंटेनर क्या चीज़ है तो देखिए इसमें इतनी सारी चीज़ें कितनी अच्छे से सेटल से हो गई हैं और दिखने में भी, भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं और ट्रांसपेरेंट है जिससे विजिबिलिटी अच्छी होती है नेक्स्ट ये एक और कंटेनर है जिसके साथ ये ड्रेनर है तो इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग जो है कोई भी चीज़ धोने के लिए जो है वो छन्नी वगैरह तो यूज़ करते ही हैं तो ये जो है इसके साथ ही है तो हम लोग इसको धो के आराम से और इसका जो है पानी वो छान लेंगे और सेम कंटेनर में पानी गिरा के हम लोग रख लेंगे तो आजकल चीज़ें भी ऐसी बनाते हैं जैसे कि हम लोगों की ज़रूरत होती उसी हिसाब से चीज़ बनती है तो ग्रेप्स इसके अंदर जो है मैंने वॉश करके रख दी हूँ और पानी जो है वो नीचे गिरेगा तो ग्रेप्स भी ख़राब नहीं होगा और उसके बाद ये एक और कंटेनर है जिसके अंदर कोई डिवाइडर नहीं है मतलब डिवाइडर लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बल्क में सामान होता है ना वो मैं इसके अंदर रखती हूँ जैसे कि टोमेटो हो गया और कोकुम्बर हो गया ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं तो वो मैं बड़े कंटेनर में रख देती हूँ और ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है इसे लेजी सुजन कहते हैं और ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाई हूँ और इसके पीछे है ना स्पंज लगा हुआ है ताकि जो है फिसले नहीं और ये जो है रोटेट होता है और इसके अंदर है ना मैं सारी बॉटल्स रखती हूँ जैसे माइनीज़ हो गई केचप हो गई विनेगर हो गया और चॉकलेट सिरप हो गई जितनी भी बॉटल्स हैं वो सब मैं इसमें रखती हूँ ताकि इसको मैं आराम से टर्न करके जिस भी बॉटल की मुझे ज़रूरत है वो मैं ले सकती हूँ तो विज़िबिलिटी जो है वो भी अच्छी रहती है नेक्स्ट ये एक कांच की बॉटल है जिसके अंदर पहले हनी थी और इसे मैं री कर रही हूँ तो इसके अंदर जो है मैं लेमन स्टोर करती हूँ तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लेमन स्टोर करना हो ना तो इस तरह बॉटल में लेमन डाल के पानी डाल के रखेंगे तो लेमन जो है वो बहुत फ्रेश रहता है और हर तीन दिन पर पानी चेंज कर दीजिए उसके बाद ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है जिसके अंदर अगेन एक ड्रेनेज बास्केट है तो इसके अंदर जो है मैं हरी मिर्ची रखती हूँ और हरी मिर्ची जो है ना उसकी मैं डंठल तोड़ के रखती हूँ क्योंकि हरी मिर्ची अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है ना तो डंठल अगर आप नहीं निकालेंगे तो फंगस बहुत जल्दी लग जाता है उसके अंदर और हरी मिर्ची है ना मैं हमेशा मार्केट से ला के उसको धो के उसको सुखा के तभी रखती हूँ मैं बॉक्स में और ये एक और कंटेनर है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था और ये भी मुझे बहुत पसंद आया और इसके अंदर देखिए ऐसे जो है बारीक बारिक होल्स हैं ताकि जो है इसके अंदर जो है फ्रेश एयर जाती रहे तो इसके अंदर भी मैं हरी मिर्ची स्टोर करती थी पहले अब मैंने एक न्यू बास्केट लाई हूँ तो ये देखिए इस तरह से हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें जैसे अदरक वदरक भी स्टोर कर सकते हैं इसमें और उसके बाद जो है लहसुन को पील करके मैं एक कांच की बोतल में रख दूंगी और ये बोतल भी जो है ये न्यूटेला की बोतल है जिसको मैंने री करी हूँ और इसके ढक्कन को जो है वो मैंने स्प्रे पेंट कर दिया है और ये एक बैग है नेट का जिसके अंदर ज़िप लगी हुई है तो इसके अंदर जो है मैं पालक रख रही हूँ वैसे पहले मैंने कभी इसमें पालक नहीं रखी हूँ ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मैं देखूँगी कि पालक कितने दिन तक फ्रेश रहती है उसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी तो इसके अंदर ज़िप लगी हुई है और मुझे लगता है कि इसमें फ़्रेश रहेगी पालक वैसे जो है पहले मैं पालक जो है वो इस तरह यूज़ करती थी एक न्यूज़पेपर में फ़ोल्ड कर देती थी मैं तो एक टाइम के लिए जितनी पालक चाहिए उसको एक बार रखती थी और उसके बाद दूसरा ही पालक नेक्स्ट रखती थी साथ में और फिर फोल्ड करती थी तो नानी दादी जो है पहले ज़माने में जिस तरह स्टोर करती थी वही तरीका जो है मेरे घर में अभी तक चला आ रहा था पालक रखने का ये एक और बॉक्स है जिसके अंदर क्रिस्पर ट्रे है साथ में और इसके अंदर जो है ना मैं धनिया की पत्ती रखती हूँ तो धनिया की पत्ती जो है ना वो मैं बिना धोए रखती हूँ जस्ट उसको क्लीन कर लेती हूँ और उसको तोड़ के छोटे छोटे रख लेती हूँ तो धनिया की पत्ती मेरे घर में बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ होती है इसलिए उसके लिए मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया है और उसके साथ जो है ये एक और कंटेनर है अगेन जो है इसमें भी क्रिस्पर ट्रे है तो इसके अंदर जो है मैं मेथी की लीव साफ़ करके रखी रहती हूँ और उसके ऊपर एक टिश्यू लगा के फिर मैं सोया की पत्ती रख दूंगी तो जितनी भी ग्रीन लीव्स है ना वो इस तरह मैं क्रिस्पर ट्रे में रखती हूँ तो ये जो है मुलायम नहीं होती है ख़राब नहीं होती है और ये एक और कंटेनर है जिसके अंदर मैं पुदीना जो है वो तोड़ के रख दूँगी और ये भी जो है एक क्रिस्पर ट्रे के साथ है अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पुदीना आ गया है और आप उसको स्टोर करना चाहते हैं ना तो इस तरह से आइस ट्रे में ना एक लेमन के साथ डाल के और उसके अंदर जो है ना पानी भर के उसको फ्रीज़ कर दीजिए तो इससे जो है मोहितो बनाने में ना बहुत काम आता है या फिर कोई जूस हो या लेमनेट वगैरह बनाना हो ना तो उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं तो ये देखिए मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था और ये कितना अच्छा सा आइस बॉल्स बना है और इसके अंदर लेमन और पुदीना दिख रहा है तो मेहमान लोग के सामने भी रखेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत एकदम क्रिएटिव तो इसी तरह हम लोग इसमें स्ट्रॉबेरी के के पीसेस, कीवी के पीसेस कीवी ये ये भी डाल सकते हैं। ये बटर बॉक्स है और मुझे इतनी परफेक्ट साइज का मिला है ये देखिए अमूल का बड़ा वाला बटर जो है वो आसानी से इसमें आ जाता है और ढक्कन भी आराम से बंद हो जाता है इसका और एक और तरीका जो है मैं आप लोगों को बताती हूं अगर आपको ये डब्बा जो है ना वो गंदा नहीं करना है तो इसके अंदर जो है ना वो पाँच पेपर हम लोग रख देंगे और फिर हम लोग इसके अंदर जो है ना वो बटर रखेंगे तो इससे डब्बा गंदा नहीं होता है बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सिर्फ पाँच पेपर को चेंज करना होता है और इसे यूज़ करना भी ईजी होता है और जो फ्रेश मिल्क आता है ना हमारे घर में वो मैं इस तरह से कांच की बोतल में रखती हूँ तो ये मिल्क जो है बस आर एस पीता है और इसकी एक्सपायरी है ना वो बस तीन दिन की होती है तो इसलिए जो है मैं एक लेबल पे ना एक्सपायरी लिख के इसको मैं चिपका देती हूँ बोतल पे ताकि पता चले कि मतलब इस दिन पर जो है ये एक्सपायर होने वाला है और उससे पहले जो है मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ उसके बाद ये एक और बॉक्स है और इसके साथ ये एक छोटा सा हैंडल है इसके अंदर जो मैं जितने भी मसाले होते हैं ना यो मैं यूज़ करती हूँ खाने में वो मैं इसमें डालती हूँ तो सब इकट्ठा रहता है और साथ में एक और बॉक्स है और इसके साथ भी एक हैंडल है लंबा सा और इसके अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो बचे हुए रहते हैं उनको मैं क्लिप करके इस बॉक्स में रखती हूँ तो ड्राई फ्रूट्स हैं वो एकदम क्रिस्प रहते हैं और क्लियर कंटेनर का फ़ायदा यही है कि हर चीज़ विजिबल रहती है आसानी से जो है मिल जाती है कि किस में क्या रखा है और मैं बहुत ज़्यादा प्री मील प्रेप नहीं करके रखती हूँ तो जो भी सब्जियाँ मुझे एक दो दिन में यूज़ करनी है ना बस वही मैं काट के उसको एक बॉक्स में कट करके रख देती हूँ इससे टाइम थोड़ा सा बच जाता है और ये वाला जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना ये हम लोग जब बाहर जाते हैं खाने आने के साथ जो पार्सल मिलता है उसी के साथ ये बॉक्स मिला था तो ऐसे बॉक्स को भी मैं धो के री करती हूँ तो ये देखिए एकदम स्लीक सा है और जो है जगह भी फ्रिज में ज़्यादा नहीं लेता है और मैं अभी जो है ये कलिंगर काट के डब्बे में रखने जा रही थी लेकिन तब तक जो है बच्चों ने देख लिया और उन्हें कलिंगर खाना है तो इससे पहले कि जो है मेरा वीडियो ख़राब हो जाए मैं उन लोगों को जो है ये कलिंगर का सैलेड बना के दे देती हूँ फ्रूट सैलेड तो इसके लिए ना मैं इस तरह से बना रही हूँ देखिए ये आइस क्यूप लेके जो है इसको मैं गोल गोल काट लूँगी और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है वैसे जो है ना मेलन कटर एक अलग सा होता है वो थोड़े छोटे साइज का होता है लेकिन वो मेरे पास नहीं था तो बस मैंने आइस क्यूप से काट ली और साथ में ना मस्त मेलन भी बहुत ही मीठा बहुत ही अच्छा आया हुआ था तो वो भी मैं काट लूँगी और फ्रूट्स जो है ना वो हमेशा सीज़न के हिसाब से लेने चाहिए तो आजकल गर्मियों में बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए हैं और आपको पता है इसके साथ जो है ना अगर हम लोग पापया भी कट करके रखेंगे ना तो तीन कलर के फ्रूट्स दिखेंगे एक साथ फ्रूट सैलेड में तो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा लगता है और देखने में भी और खाने में भी और इसके साथ है ना मैं कलरफुल छोटा वाला फोक रख दूँगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा तो वाटरमेलन जो है वो इतना जूसी लग रहा है मुझे एकदम टेम्पटिंग लग रहा है देखने में और गर्मियों में ना ये फल देख के एकदम दिल खुश हो जाता है और जो मस्क मेलिन बच गया है ना वो भी मैं इस तरह क्रिस्पर ट्रे में रख दूंगी और इस तरह रखने से ना क्या होगा कि बच्चों को जब भी खाना होगा तो उन लोग ना आराम से इसमें से लेके खा सकते हैं ऑन द स्पॉट कट करके देने की ज़रूरत नहीं है और जितना एक्स्ट्रा पानी है ना वो ट्रे में जो है वो नीचे गिर जाएगा इससे जो है हम लोग का फ्रूट्स ख़राब नहीं होगा तो फ्रूट्स के लिए भी जो है ये एक बेहतरीन कंटेनर है अब मैं एक एक करके आपको जो है फ्रिज में सब रख के बताती हूँ कि किस तरह से जो है मैंने अरेंज किया है फ्रिज को तो सबसे पहले हम लोग ये नीचे वाला ड्रॉर खोलेंगे और उसके अंदर जो है मैं ये टोमेटो रख दूँगी और ये देखिए कितना स्पेशियस है दो ट्रे आसानी से इसके अंदर आ जाएगी और साथ में जो है कुकुम्बर की भी ट्रे रख दी हूँ मैंने और यहाँ पर जो थोड़ी सी जगह बची है उसके अंदर मैंने पालक रख दी हूँ तो ये सेट हो गया हमारा नीचे वाला ड्रॉर अब राइट साइड वाले ड्रॉर में आते हैं तो यहाँ पे जो शिमला मिर्च वाली बास्केट है और वेजिटेबल्स की वो रख दूंगी और साथ में जो है फ्रूट्स वाली जो बास्केट है डिवाइडर के साथ वो मैं रख दूंगी और साथ में पालक रोल करके रख दूंगी तो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्लियरली विजिबल हैं अब ऊपर वाले ड्रॉर में ना मैं डेयरी प्रोडक्ट्स रख रही हूँ तो यहाँ पे मैंने बटर का बॉक्स रखी हूँ और साथ में जो है वो चीज़ क्यूब्स है और इस छोटी सी ट्रे में मैं चीज़ स्लाइस रख दूंगी और यहाँ पे मोजरेला चीज़ है जो पास्ता वगैरह में यूज़ होती है और साथ में जो है वो लबन है तो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स एक साथ हो गए अब ये जो ऊपर के राइट साइड वाला ड्रॉर है इसे मैं पूरा खाली छोड़ दूंगी ताकि जो मैं फ़िश चिकन मैरिनेट करके रखती हूँ वो मैं इसके अंदर रख सकूँ अब मैं टॉप शेल्फ़ में सामान रखना स्टार्ट करती हूँ तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं फ्रिज में जो डेली यूज़ नहीं होती हैं जैसे दही बड़े का मसाला हो गया अचार हो गया और चिरौंझी हो गई वो सब मैं पीछे रख दूँगी और ये एक किलो के दही का डब्बा है और उसके बाद मैं इसमें कसूरी मेथी और अदरक लहसुन का पेस्ट और छिला हुआ लहसुन ये एक साथ में एक तरह की बॉटल में रखूँगी और इससे जो है सिमिट्री भी लगती है और ये ऑलिव ऑयल की बॉटल है और यहाँ पे जो है मैं ड्राई फ्रूट का डब्बा रख रही हूँ और उसके बाद शान के मसाले जो पैकेट वाले हैं वो रखूँगी तो ये देखिए स्लाइड करके इजीली हम लोग ले सकते हैं एक साथ सारी चीज़ आ जाती है अब जो है बॉटम वाले शेल्फ़ पे जो है मैं लेजी सूजन रख रही हूँ और जो है अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका यूज़ ये देखिए एक साथ एक कॉर्नर में जो चीज़ हम लोग को ज़रूरत पड़े हम लोग घुमा के आराम से वो बॉटल जो है ले सकते हैं अब जो हम लोग ने डब्बे में ऑर्गेनाइज करके रखे थे वो डब्बा सब मैं इस पर रख देती हूँ तो धनिया पत्ती बीन्स और मेथी का डब्बा और मस्क मेलन है और ग्रेप्स है और लेमन है और हरा मिर्चा सब कुछ यहाँ पर मैं एक साथ रखती हूँ और ये सारे डब्बे जो हैं ये स्टैकेबल हैं एक के ऊपर एक हम लोग आराम से रख सकते हैं जो फ्रिज की मिडल वाली शेल्फ है उसे ज़्यादातर मैं खाली रखने की कोशिश करती हूँ ताकि रात के लेफ़्ट ओवर फूड जो होते हैं वो मैं इसमें रख सकूँ आराम से तो लेफ़्ट ओवर फूड जो है ना वो मैं कांच के डब्बे में रखती हूँ ताकि वो ज़्यादा दिन तक फ़्रेश रहे और साथ में आटे का डब्बा भी मैंने रख दी हूँ अब डोर की तरफ चलते हैं तो डोर में जो है मैं मिल्क की बॉटल पानी और जूस वगैरह रखती हूँ तो ठंडा पानी हम लोग वैसे ज़्यादा नहीं पीते हैं और पानी के लिए ना ये बिल्ट इन कंटेनर फ्रिज के अंदर ही बना हुआ है और नीचे जो है ना मैं एक्स्ट्रा सॉसेस की बॉटल जो है और चॉकलेट चिप्स जो हैं क्रीम वगैरह वो रख देती हूँ और साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे फेटा हुआ बेसन हो गया और सेवई हो गई वो सब मैं इसमें रख दूँगी और ये चॉकलेट का पैकेट जो है वो फलक को मिला था गिफ्ट और वो मैं इसके अंदर साथ में रख दूँगी और ऊपर वाले शेल्फ में तो अंडे रखे हुए हैं अंडे की डेडिकेटेड प्लेस है उसे मैं नहीं हिलाती और ये है ना कैरेमलाइज शुगर है जो मीठा वगैरह पे ड्रेसिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ और ये है तली हुई प्याज़ ये भी जो है मैं बहुत सारा बना के रखती हूँ और भी कम हो गई है मुझे और भी बनानी है और ये जो है ना ये लावा है कुटा हुआ तो ये थी मेरी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वीडियो आपको कैसी लगी ऊपर से नीचे तक का पूरा व्यू आप देख लीजिए अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए होंगे तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी किस तरह की वीडियो पसंद आ रही है और आगे भी मैं उसी तरह की वीडियो बनाऊँ और किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा इसके पहले जो है मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि एक स्मार्ट हाउस वाइफ जो है वो किस तरह से अपना घर संभालती है अगर आपने नहीं चेक किया है तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आज जो है शाम में दुबई का मौसम थोड़ा सा बेहतर था तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर ही बैठ के जो है ये फ्रूट सैलेड एंजॉय किया जाए दो दो। और चेंज हम यहाँ बाहर आके बैठ गए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हालांकि है बहुत गर्मी लेकिन जो है ये ठंडा ठंडा वाटर मेलन और स्वीट मेलन खा के बहुत ही मज़ा आ गया रिफ़्रेश हो गए एकदम और मौसम भी इतना बेहतरीन तो नहीं है लेकिन इतना कातिल भी नहीं है तो ठीक है आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल पे आपको होम ऑर्गेनाइजेशन रेसिपीज पैरेंटिंग टिप्स आउटिंग वीडियो सब ऑल इन वन मिलेंगी तो फिर ठीक है आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ अल्लाह हाफिज मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ